स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वी यूज़ इन आसन ईयर और इंटरव्यू शेड्यूल तो पहले हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि जब हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन यूज़ करते हैं क्वेश्चन ईयर में या इंटरव्यू शेड्यूल में तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर इजीियर एंड क्विकर फॉर रिस्पोंडेंट्स टू आंसर जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर जो है रिस्पॉन्डेंट ईजिली अपना रिस्पोंड दे देता है उसको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता उसको गिवन सेट ऑफ रिस्पॉन्स कैटेगरी से ही आंसर करना है तो उसके लिए ये आसान है कि वो किसी भी एक ऑप्शन को टिक कर ले बेस्ड ऑन हिज और हर ओपिनियन द आंसर ऑफ डिफरेंट रिस्पॉन्डेंट्स आर ईजियर टू कंपेयर जैसा कि आपने जो गिवन सेट ऑफ रिस्पॉन्स कैटेगरी जो यूज़ की है उसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं उनका हम फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं परसेंटेज देख सकते हैं तो उनका कंपैरिजन आसान है एज़ कंपेयर टू जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस में जो हमारे पास डाटा आया है आंसर्स आर ईजियर टू कोड एंड स्टेटिस्टिकली एनालाइज इनको हम सिंपली कोड कर सकते हैं विद नमेरिक नंबर और इसको हम किसी भी जो है डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर में एनालाइज कर सकते हैं एस में एक्सेल में या स्टाटा में तो ये उस, उसके कम्पेरिजन में जो आपका ओपन एंडेड डाटा होता है उसको थीमेटाइज करना पड़ता है जिसमें ज़्यादा वर्क दरकार होता है द रिस्पॉन्स च्वाइस कैन क्लेिफ़ाई आर क्वेश्चन मीनिंग फॉर सम टाइम आपकी जो रिस्पॉन्स कैटेगरीज होती हैं वही बता रही होती हैं रिस्पॉन्डेंट को कि उसने क्या आंसर देना है तो ये उनके लिए ज़रा आसानी होती है इस तरह के क्वेश्चन में अपने आंसर्स को प्रोवाइड करना अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट डिसएडवानटेज इज़ दैट कि मिस इंटरप्रटेशन ऑफ अ क्वेश्चन कैन गो अनोटस्ड कि आपका जो रिस्पोंडेंट है अगर वो प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं हुआ प्रॉपरली रिस्पॉन्डेंट नहीं है या जो आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंगली नहीं सिलेक्ट हुआ तो वो आपके जो है क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट भी कर सकता है और सर्वे रिसर्च में फिर वो अनोटिस जाता है कि भी वो उसने कैसे इसको मिस इंट कट किया है डिस्टिक्शन बिटवीन रिस्पोंडेंट आंसर मे बी ब्लर्ड टाइम आपके जो है रिस्पॉन्डेंट्स अगर वो लिटरेट वन नहीं है तो उनके आंसर्स को डिस्टिंग करना कि उन्होंने किसी भी रिस्पॉन्स कैटेगरी पर क्यों कोड किया है अपने आप को या क्यों वो एक पर्टिकुलर रिस्पांस कैटेगरी को चुना है तो वो मुश्किल काम है क्लैरिकल मिस्टेक्स और मार्किंग द रोंग रिस्पॉन्स इज पॉसिबल जब आप डाटा एंट्री कर रहे हैं फ्राम फिजिकल फॉर्म इन टू दॉफ्टवेयर फॉर्म तो वहाँ पर भी ये हाँ हाँ पॉसिबलिटी होती है कि डाटा एंट्री के टाइम ता, पर आपने वैल्यू को रॉन्गली एंटर कर दिया है दे फोर्स रिस्पॉन्डेंट टू गिव सिम्पलिस्टिक रिस्पॉन्स टू कम्प्लेक्स इशूज तो क्लोज एंड क्वेश्चन जो है वो दे आर नाट गुड फॉर द फोर असिंग द कम्प्लैक्स ईशोज जहाँ आपने आपने सब्जेक्टिव असमेंट देखनी है लोगों की ओपीनियन लेनी है एक पर्टिकुलर इशू के बारे में तो ये जो फोर्स रिस्पॉन्स कैटेगरीज होती हैं फिर ये अप्रोप्रिएट नहीं है इस हवाले से एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन फोर्स रिस्पॉन्डेंट्स टू मेक दे वुड नॉट मेक इन द रियल वर्ल्ड तो टाइम इसी तरह के कॉम्प्लेक्स इशूज में ये हमें भी फिनमिना देखने को मिलता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैन सजेस्ट आइडियाज दैट द रिस्पॉन्डेंट वुड नॉट अदरवाइज है यहाँ पे हम इसको आगे जाके डिटेल में देखेंगे कि जो है रिस्पॉन्डेंट्स को क्योंकि अब उसी गिवन सेट ऑफ रिस्पॉन्स कैटेगरीज में से आंसर देना है तो वो मे भी उससे एग्री या डिसएग्री नहीं कर रहा मगर वो इसी में से एक को टेक करेगा क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है रिस्पॉन्डेंट्स विद नो ओपिनियन और नो नॉलेज कैन आंसर एनी जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि अगर उनको कोई इसके चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो वो कैसे इसको स्किप करें फिर वो मजबूरी में उसको आंसर करते हैं रिस्पॉन्डेंट्स कैन बी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज देयर आर ए डिज़ायर्ड आंसर इज नॉट अ चॉइस तो सम टाइम ये जो है लो रिस्पॉन्स रेट की एक भी वजह होती है कि भाई जब रिस्पॉन्स कैटेगरीज और ना हो तो वो फ्रस्ट्रेट होता है रिस्पॉन्डेंट आपके क्वेश्चन की रिस्पॉन्स कैटेगरी से इट इज़ कन्फ्यूजिंग इफ मैनी फॉर एक्जाम्पल ट्वेंटी रिस्पॉन्स चॉइसिस यू हैव ऑफर्ड तो इसलिए क्लोज एंड क्वेश्चन में हमें रिस्पॉन्स कैटेगरीज कितनी होनी चाहिए ये बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है जितनी रिस्पॉन्स कैटेगरीज ज़्यादा होंगी उतना ही फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है रिस्पॉन्डेंट के माइंड में कि हम मैंने कौन सी रिस्पॉन्स कैटेगरी को चुनना है तो इसीलिए जो लिक्ड स्केल जब हम यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सजेस्ट करते हैं कि वो फाइव पॉइंट्स लिकड स्केल होना चाहिए या मैक्सिमम सेवन पॉइंट लिक्विड स्केल होना चाहिए